उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में गुरुवार को अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से उनका यह कहना है कि ग्राम अगवानपुर में करीब 50 वर्ष पुराना शिव मंदिर बना हुआ है। इसी मंदिर की खाली पड़ी भूमि पर ग्रामीण परंपरागत रूप से होली दहन, जागरण, छड़ियों का मेला एवं शादी विवाह आदि कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं, लेकिन गांव के ही रहने वाले तुलसी कुछ दबंग भूमाफियाओं को लेकर तथा तहसीलदार को मोटी रिश्वत देकर शिव मंदिर के करीब पौन बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिस पर अवैध निर्माण कार्य तेजी से रात दिन चल रहा है, जिस कारण पूरे गांव में भारी रोष व्याप्त है। इसलिए अंबेडकर युवक संघ जनहित में मांग करता है कि भूमि की उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर जांच कराई जाए तथा शिव मंदिर की भूमि को शीघ्र कब्जा मुक्त कराकर अवैध निर्माण को शीघ्र अतिशीघ्र हटाया जाए तथा दोषी व्यक्तियों को भूमाफिया घोषित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में संघ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज हम लोग अगवानपुर का जो शिव मंदिर है उसकी 2.5 बीघे जमीन है, जिसमें 1 बीघा जमीन को तहसीलदार साहब ने भूमाफियाओं को नपवा दिया और कब्जा करा दिया, और आज जो है उस पर लिंटर की तैयारी चल रही है, रात और दिन काम चल रहा है। तो आज हम लोग डीएम साहब से मिले हैं कि या तो इसको निर्माण को रुकवा दें और नहीं तो हम लोग धरने पर बैठने के लिए आए हैं। तो एडीएम सिटी साहब ने अभी बात की है एसडीएम साहब से, आज एसडीएम साहब अभी मौके पर पहुँचेंगे हमारे जाने के बाद। काफ़ी बार ज्ञापन दे चुके हैं मगर इस पर कोई कार्रवाई कुछ नहीं किया जा रहा है, क्या मामला है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसका चिन्हीकरण स्वयं तहसीलदार साहब ने किया है, तो जब कोई उच्च अधिकारी किसी काम में हस्तक्षेप करता है तो उसमें कोई छोटा मोटा अधिकारी हाथ डालने से डरता है, मतलब कतराता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब एक उच्च अधिकारी के द्वारा गलत काम हुआ है और 50 साल पुराना मंदिर बना हुआ है और उसकी ज़मीन 50 साल से पड़ी थी और जिसने कब्जा कराया वो 35 साल पहले पूरा नंबर बेच चुका, उसमें आबादी बनी हुई है, आज भी मौके पर वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो नपाई हो सकती है पूरे खेत में। हर आदमी वहाँ का वासिंदा ये बता सकता है कि मैं तुलसी के खेत में रह रहा हूँ। तो जब खेत मौजूद है, आबादी की मोहल्ला